हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 वन में तो कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेन ठीक है ट्रेन की आज लास्ट क्लास है और सभी टाइप आज की वीडियो में कवर और बिल्कुल आसान तरीके से जो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है उसको एक लाइन में कैसे करना है आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास लास्ट तक देखना समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करना और सच बताना जितनी भी क्लासे आपने पीछे देख ली है ट्रेन की दो तीन क्लासे मैंने कराई शॉर्ट शॉर्ट क्लासे थी छोटी छोटी कैसी लगी तो आज की वीडियो में क्लास बिल्कुल ट्रेन सब कुछ खत्म उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे परसेंटेज ठीक है तो सभी टॉपिक क्योंकि आपका पेपर लगा हुआ तीस है तीस तारीख से स्टार्टिंग है एमटीएस का पेपर ठीक है तो एमटीएस वालों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए अब डेली क्लास चल रही है ठीक है करंट अफेयर्स ठीक है मैं आप लोगों को एक बार बता दू डेली करंट अफेयर्स ठीक है डेली करंट अफेयर्स आप लोगों को अब क्लास मिलेगी ठीक है वो क्लास जरूर देखना डेली करंट अफेयर्स ठीक है डेली करंट की क्लास वो क्लास जरूर देखना क्योंकि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी डेली करंट अफेयर्स उसके बाद आपको डेली शाम को शाम को दस बजे शाम को दस बजे इस क्लास को जरूर लेना शाम को दस बजे जीएस की क्लास जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीके और जीएस ठीक है इसमें आप लोगों को क्या नाम स्टैटिक जीके भी मिलेगी और हाँ हर चीज मिलेगी इसमें कम से कम नहीं तो बीस क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करूंगा आपको एम में बीस सोचो ठीक है तो ये क्लास डेली देखना आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूं सब कुछ फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी तक नहीं ज्वाइन किया वहां पर डेली लिंक पहुंच जाएगी ठीक है तो डेली आपको 20 क्वेश्चन की क्लास फंसाने की गारंटी देता हूं शाम को दस बजे आप लोगों को जीके जीएस की मिलेगी और डेली सुबह करंट अफेयर्स की आप लोगों को क्लास मिलेगी मैम के द्वारा ठीक है अब आप टेंशन खत्म करो अब आपके पास मात्र चार दिन बचे हुए हैं पेपर है आपका तो चार दिन में इतना कुछ कवर करा दूंगा बस जीके जीएस तो आपको सिर्फ देखना है याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है माफी चाहूंगा दोस्त सारे टॉपिक नहीं पढ़ा पाए बहुत सारा बिजी भी थे यार जॉब के चक्कर में आप लोग समझ सकते हैं जितना भी टाइम बचता है सब आपको देता हूं तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली उसके बाद परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे और एस एस वाले आप लोग तैयार हो आपका पूरा पूरा फंसाऊंगा जितना पढ़ा रहा हूँ सब कुछ फंसेगा बस आपको एक बार पढ़ लेना है मैथ और रीजनिंग पूरी रीजनिंग पढ़ा दूंगा पूरी मैथ हिंदी में आपको 10 दिन में खत्म करवा दूंगा रटवा दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है थीके? आपका जनवरी में पेपर होना 100 परसेंट तय है एसएससी जीडी वालों का ठीक है तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर रहे ट्रेन की लास्ट क्लास है बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्त आप लोगों को आप बिल्कुल टेंशन मत लेना ठीक है उससे पहले दो मोटिवेशनल लाइन है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्या है चलिए मोटिवेशनल दो लाइन है हमारे पास उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े देखो उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े सपनों को तो पूरा करना ही है ठीक है सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े तो ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए उड़ान तो भरना है चाहे कितनी बार भी करो सपनों को पूरा करो चाहे खुद से लड़ो चाहे किसी और से लड़ो लड़ो जरूर ठीक है हाँ चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेगा एक ट्रेन खंबे को 12 सेकंड में तथा 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल व लंबाई क्या होगी तो इसमें आप लोगों से ट्रेन की चाल भी पूछी है और लंबाई भी पूछी है तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कैसे करते हैं देखो ट्रेन की चाल भी पूछी है क्या पूछा है ट्रेन की चाल भी पूछी है और ट्रेन की लंबाई भी पूछी है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है बिल्कुल आपको डरना नहीं है कैसे करना है अब एक चीज बताओ जब भी आपको, देखो, जब भी भी आपको आपको देखो क्या नाम दो चाले दे दी जाए क्या दो चाले दो चाल ठीक है दो चाल दे दी जाए और दो दूरी भी दे दी जाए ठीक है दो दूरी भी दे दी जाए अब दो दूरी रहती है अभी तक आप क्या करते थे दो तो दूरी चाल दो चाल दे वो अलग अलग चाल हो ठीक है दो चाल हो देखो दो चाल क्या क्या है प्लेटफॉर्म का एक प्लेटफॉर्म सही तो और एक क्या नाम हो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म तो आपको इन चीजों में क्या करना है इन चीजों में क्या करना है ठीक है अब एक चीज बताओ एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में तथा 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 20 सेकंड में पार करती अब एक चीज बताओ एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर रहती है तथा ठीक है 12 सेकंड में उसके ना तो एक ट्रेन की चाल दी ना तो लंबाई दी है ट्रेन की ठीक है तो दो चीजें देनी चाहिए ना अब फिर कह रहा है दो मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में अब एक चीज बताओ 240 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है तो वो ट्रेन अपनी भी लंबाई कवर कर रही होगी कर रही होगी कि नहीं और क्या नाम और क्या नाम उसकी भी प्लेटफॉर्म की तो उसके बाद कितना समय लगा रही थी बीस सेकेंड लगा रही थी और यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे दिया ट्रेन अपनी लंबाई कवर कर रही है ठीक है और कितना समय लगा रही है कितना समय लगा रही है मात्र बारह सेकेंड ठीक है दूरी इसकी ट्रेन की दूरी पूछी गई और यहाँ पे भी ट्रेन की दूरी पूछी गई यहाँ पे बारह सेकंड लेकिन चाल नहीं दी है पहले तो हमें चाल निकालनी पड़ेगी ना चाल दी हो तभी तो काम चलेगा चलेगा ना चलो चाल हमें नहीं दी अब देखो क्या करना है देखो दो बार सेकंड दिया दो सेकंड एक, एक सेकंड और ये दो, दो बार सेकंड दिया तो जो सेकंड है उनमें से सेकंड को क्या फॉर्मूला क्या होता तो है चाल बराबर कैसे निकालते क्या, तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी का डिफरेंस दूरी दूरी का डिफरेंस ये एक तरीका है मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट तरीके से दूरी का डिफरेंस बटे ठीक है और समय का डिफरेंस जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो समय का डिफरेंस अब इसमें दूरी का तो डिफरेंस दिया नहीं है ठीक है दूरी का डिफरेंस एक तो दो मीटर वो है और एक का, क्या नाम और ट्रेन अपनी भी लंबाई पार कर रही होगी दोनों चीजें कर रही होंगी ना तो देखो चाल निकालना है तो चाल देखो दूरी कितनी है दूरी दूरी कितनी है भाई ट्रेन और इनके दोनों का डिफरेंस दो सौ ही होगा दो ठीक है और समय का डिफरेंस कितना है एक आठ सेकंड है एक बारह से वो एक बीस सेकंड है और एक बारह सेकंड है तो कितना है आठ है ठीक है तो चाल बराबर दूरी का डिफरेंस लिख लिया यह दूरी का डिफरेंस है यह समय का डिफरेंस है टी का तो आठ ती चौबीस तो निकल गया हमारा तीस मीटर प्रति सेकेंड ये हमारी क्या निकल गई चाल तो चाल हमारी निकल गई तीस मीटर प्रति सेकेंड अब हमारी चाल निकल आई ठीक है तो चाल हमारी क्या हो गई तीस मीटर प्रति सेकंड तो किसी ऑप्शन में तीस मीटर प्रति सेकंड लिखा है तीस बिल्कुल ये लिखा है तो चाल निकल गया है अब हमें दूरी निकालना है तो एक बताओ चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना तो चाल हमारी तीस है ठीक है दूरी हमारी कितनी है जल्दी से बताओ दूरी हमारी कितनी दूरी ट्रेन की दूरी पूछी है तो ट्रेन अपनी भी दूरी तय कर रही होगी और प्लस प्लेटफॉर्म की तो बराबर कितना आ गया देखो तो ये भी देखो तो चाल हमारी देखो दूरी बटे समय होता है दूरी एक ये है एक ये है ठीक है अब एक चीज बताओ चाल मिल गई दूरी बटे अगर समय निकालना है, तो यहाँ पे भी निकालते हो तो चाल कितनी है तीस चाल तीस है दूरी हमें निकाल ली डी ट्रेन की दूरी ठीक है समय कितना निकाल ली थी जब एक ट्रेन एक खंबे को पार कर रही थी सिर्फ खंबे को पार करेगी तो अपनी ही दूरी बटे में समय कितना लगा था बारह तो दूरी बराबर कितना है तो बारह गुड़े तीन बारह तीन छत्तीस तीन सौ साठ मीटर निकल का आया अब मान लो यहाँ पे आपको विश्वास नहीं हो रहा तीन सौ साठ मीटर पर सेकेंड ठीक है मिटाल दो तब समझ में आएगा देखो देखो हमारे पास चाल निकल गया तीस चाल बराबर दूरी बटे समय तो तीस बराबर दूरी हमें पूछी ट्रेन की समय कितना लगा रही है खंभे को तो अपनी ही दूरी पार करेगी ना खंभे को तो डी बराबर हमारे पास कितना आ गया तीन सौ साठ मीटर ठीक है मान लो अगर विश्वास नहीं यहाँ पे रखो तो दूरी इसकी कितनी है दूरी बताओ तीन सौ साठ ठीक है तो चाल निकालना है तो चाल देखो कैसे निकल गए तो 240 और 360 कितने हुए हमारे पास जल्दी से बताओ तीन सौ तीन सौ 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 बटे बीस दो तीन छः देखो तीस किलोमीटर प्रति ती घंटा निकल वो तीस मीटर पर सेकंड निकल गया चाल भी तो यहाँ पे भी निकल गई चाल ठीक है तो वही हमारी चाल है ठीक है समझ गए नहीं समझे फिर से समझाऊंगा देखो क्वेश्चन ने पूछा था हमसे

ठीक है एस हमें कितनी दी गई एस हमें पूछी गई है डी हमें दो दी है और टी हमें आठ दी है तो निकल गई एस बराबर कितने आठ थी चौबीस तीस मीटर प्रति सेकेंड अब चाल बराबर एस बराबर क्या होता है एस बराबर डी अपान टी होता है डी अपान टी एक किसी में फॉर्मूला में रख लो तो ये टी दिया है हमारे पास डी पूछा है चाल हमें दे दी गई ये एस एस हमारी कितनी निकल गई तीस तो तीस बराबर डी पूछिए डी अपान में क्या पूछा है टी टी हमारा दिया है बारह तो डी बराबर हमारा कितने लगा बारह तीन छत्तीस तीन सौ साठ मीटर ये दूरी हो गई ये चाल हो गई तो ये चाल हो गई हमारी ये दूरी हो गई ठीक है यही पूछा गया ट्रेन की चाल और लंबाई क्या होगी ठीक है समझ गए चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं तब समझ में आएगा आप चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा एक ट्रेन एक सौ बासठ मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अठारह सेकंड में तथा एक सौ बीस मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पंद्रह सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई फॉर्मूला वही लगाना है ठीक है तो चाल बराबर मतलब डी बराबर वो सॉरी यस चाल को हम एस से लिखते हैं बराबर डी का डिफरेंस ठीक है मतलब दूरी का दूरी डी का डिफरेंस डी का अंतर दूरी का अंतर अपान में टी का अंतर ठीक है तो बताओ तो चाल बराबर दूरी का डिफरेंस क्या है एक प्लेटफॉर्म एक मीटर है और 120 मीटर है तो डी का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास चालीस 120 में तो एक सौ में तो 120 के कितने 42 मीटर 42 मीटर समय का कितना डिफरेंस है एक पंद्रह सेकेंड है एक 18 सेकंड कितने तीन सेकंड ठीक है तो एस बराबर निकालना है तो कितना तीन एकम तीन तीन चौकू बारह तीन 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 चौकुबारह तो ये चाल निकल के आई ठीक है ये चार निकल गया चार निकल गया है चौदह मीटर पर सेकेंड ठीक है ये हमारे पास चौदह मीटर पर सेकेंड अब दूरी निकालना है तो ट्रेन की चाल व लंबाई क्या होगी चाल निकल आए लंबाई निकालना है ठीक है अब एक चीज बताओ एक ट्रेन एक मीटर लंबे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म को पार करने में अठारह सेकंड लगाती है तो ट्रेन अपनी भी दूरी लगती है कि डी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी एक ठीक है ठीक है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो चाल बराबर तो चाल हमारी कितनी दे दी है चौदह तो चौदह बराबर थोड़ी तो थोड़ा इधर लिखे सॉरी देखो चौदह निकल के आई थी है ना कितनी निकल के आई थी चौदह तो चाल बराबर कितनी चौदह बराबर एक सौ बासठ प्लस ट्रेन अपनी दूरी पा, पार करेगी समय कितना लगा रही है एक अठारह सेकेंड चलो कहा अठारह चौक बहत्तर अठारह एकम अठारह अठारह सात अठारह सात बावन वो दो सौ वो पच्चीस दो सौ बावन निकल के आई दो सौ बावन बराबर एक सौ बासठ प्लस के टी तो एक सौ बासठ घटा दो इसमें जीरो नौ और ये यहाँ पे सॉरी हाँ तो, तो कितना निकल गया और ये जीरो हो जाएगा तो कितनी निकल गई नब्बे मीटर ठीक है तो ये हमारी होगी चौदह और नब्बे ठीक है।, है समझ में आया समझ में आया नहीं समझ में समझो देखो एक सौ बासठ मीटर लंबी है और एक सौ बीस मीटर दो दूरी दी है कि इनका डिफरेंस तो एक सौ बासठ में से एक सौ बीस घटा दो कितना बचा दो चार ठीक है बयालीस बचा ठीक है और दो हमें समय भी दिए हैं एक अठारह सेकेंड और एक हमें पंद्रह सेकेंड इनको अठारह तो तीन तो तीन बराबर बयालीस तो एक बराबर कितना हो गया चौदह ये चौदह मीटर प्रति सेकेंड हमारी चाल निकल के आ गई ठीक है अब चाल निकल के आ गई तो हमें दूरी बताना है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो चौदह बराबर दूरी कितनी है हमें एक सौ बासठ प्लस का ट्रेन की दूरी पूछी है ठीक है अपान में समय कितना लग रहा है अठारह तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अठारह सौ बहत्तर अठारह एकम अठारह अठारह और सात पच्चीस 25, दो सौ बावन बराबर एक सौ बासठ प्लस का टी तो टी बराबर तो दो सौ बावन माइनस एक सौ बासठ तो टी बराबर क्या निकल गया घटा दो तो कितना नब्बे मीटर ठीक है तो ये हमारी नब्बे मीटर ये हमारी चार ठीक है समझ गए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा 240 चालीस मीटर लंबी एक ट्रेन 16 सेकंड में एक पेड़ को सॉरी पल नहीं है एक पेड़ को पार करती है और 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 16 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है अब एक चीज ये कोई भी पेड़ खड़ा है, है इसको पार करेगी ट्रेन तो कोई दूरी इसकी इसकी कोई दूरी होती है कोई दूरी नहीं होती तो फॉर्मूला क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय है ना दूरी बटे समय होता है अब एक चीज बताओ जब अपनी इसकी कोई लंबाई नहीं तो ट्रेन अपनी ही दूरी तय करेगी तो चार बराबर निकालना है यस बराबर ट्रेन की दूरी दी एक सौ दो सौ चालीस लंबी एक ट्रेन है कितनी दो सौ चालीस कितने सेकंड में पार करा जाती है सोलह सेकंड में सोलह सेकंड में लो चाल निकल के आ गई तो छ चौक चौबीस जीरो वो चार चौक सॉरी चार छंग चौबीस सॉरी ठीक है चार छंग चौबीस जीरो चार चौकू सोलह काटा कितना पंद्रह पंद्रह निकल गया मीटर प्रति सेकेंड ठीक है मीटर प्रति चाल निकल गया है। अब पूछा क्या है तो पूछा एक प्लेटफॉर्म तो की लंबाई मीटर में क्या होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछिए ठीक है अब एक चीज बताओ चाल तो हमें मिल गई पंद्रह से कितनी मिल गई पंद्रह मीटर प्रति सेकेंड ठीक है चलो अब लंबाई पूछिए अब लंबाई पूछिए तो क्या करना है तो ट्रेन की दूरी कितनी है ट्रेन की दो मीटर दूरी है प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी ठीक है समय कितना ले रही है बयालीस ठीक है चाल हमें पता है चाल हमारी कितनी निकल गई पंद्रह बस अब काट पीट दो तो कार्ड का इसका इसमें गुणा करा दो ये इधर जाएगा गुड़े में हो जाएगा तो बयालीस गुड़े में पंद्रह बराबर पंद्रह बराबर दो सौ चालीस प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तो पंद्रह दूनी तीस पंद्रह चौकुसठ तीन तीन सौ तिरसठ बो पंद्रह चौकुसाठ तीन तिरसठ बराबर दो सौ चालीस प्लस का पी तो तीन सौ तिरसठ में से वो सॉरी तीन सौ तिरसठ बता रहे छः सौ तीस दो सौ चालीस तीन ठीक है इसमें से ये घटा दो तो कितना छः सौ तीस में से जब छः सौ तीस में से दो सौ चालीस घटाओ कितना बचता है जीरो नौ पांच में से दो गए तीन तीन सौ नब्बे तो ये हमारा कितना निकल गया है तीन सौ नब्बे मीटर दूरी ठीक है प्लेटफॉर्म तो लाइनों में क्वेश्चन था अगर आप सही से करते ठीक है चलो समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं नहीं समझ में आ रहा है ना अभी आगे समझ में आएगा चलो देखो देखो, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है बस एक बार लैंग्वेज को समझो और अपने दिमाग में बैठा लो कैसे दिमाग में बैठाना है देखो क्या है 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रहे 120 मीटर 120 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर होगा. ठीक है? एक है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी ठीक है गाड़ी को 6 सेकेंड में पार करती है तो दूसरी गाड़ी की चाल अब दो गाड़ियां है यहां पे गाड़ियां कितनी है यहाँ पे दो गाड़ियां और दो गाड़ियों की मतलब चाल बतानी है तो एक विपरीत दिशा में आ रही एक की दूरी देखो एक कितने किलो एक कितनी मीटर की है देखो सौ मीटर लंबी एक गाड़ी एक सौ मीटर वाली है वो पचास किलोमीटर प्रति घंटा चलती है ठीक है और दूसरी एक सौ बीस मीटर लंबी वो चाल उसकी नहीं पता है ठीक है सेकंड में पार करती है तो दूसरी गाड़ी की चाल तो दो जब दो गाड़ियां होती हैं और एक कितनी विपरीत दिशा में है चल से चलते विपरीत इस तरीके से दो रेलगाड़ियां आ रही एक इस तरीके से एक इस तरीके से ठीक है एक की चाल मुझे मालूम है एक, एक की चाल मालूम एक की नहीं मालूम तो ये चाल प्लस हो जाती है जब, जब इस तरीके से आती है ठीक है और दूरियां हमेशा प्लस होती हैं दूरियां हमेशा प्लस होती हैं यह याद रखना चाहे किधर से भी आ रही दूरियां ठीक है हमेशा प्लस होंगी हमेशा प्लस ठीक है चलो अब देखो अब देखो अब क्या करना है हमें ऐसे आ रही है एक एक की लंबाई कितनी है एक की लंबाई देखो एक की लंबाई सौ मीटर है और दूसरी की लंबाई कितनी है एक सौ बीस मीटर तो टोटल हमारी लंबाई कितनी हो गई एक सौ मीटर है एक दो सौ मीटर एक सौ बीस मीटर टोटल लंबाई हमें मिल गई दो सौ बीस मीटर दो सौ दो सौ बीस मीटर तो इनकी लंबाई हो गई क्या हो गई दो सौ बीस मीटर इनकी लंबाई हो गई ठीक है दो सौ बीस मीटर इनकी क्या हो गई लंबाई हो गई अब पूछा है चाल तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला तो चाल को हम किसे लिखते हैं एस एस बराबर डी अपॉन टी ठीक है एस चाल हमें पूछे एक की चाल हमें दी गई है एक की चाल क्या हमें पचास किलोमीटर पचास किलोमीटर प्रति प्लस ठीक है दूसरी चाल हमसे मीटर. तो मीटर तो समय कितना लग रहा है ठीक है तो समय कितना लग रहा है किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा में आ रहे रेलगाड़ी तो तो को छह सेकंड में पार कर लेती थी समय लग रहा है सिर्फ ठीक है चलो चाल बराबर दूरी बटे समय बन गया पचास प्लस एस टू दो बीस अपान छे अब ये चार किलोमीटर प्रति घंटा में यहां पे, पे मीटर पे तो इसको भी चेंज कर लो तो छोटे में चेंज करना है तो ऊपर छोटा लिखना पड़ेगा तो पांच बटे अठारह लिख दिया तो दो छे कम छे, छे, ती, अठारह तीन आ गया ठीक है ऊपर पांच है ठीक है समझ गए तो देखो क्या लिखा है हमारे पास पचास प्लस एस टू गुड़े में पांच बटे में तीन बराबर में 220 तो ये 220 सौ बीस उधर जाएगा बाईस एगम बाईस बाईस तीन छासठ हो जाएगा तो और इधर ये पचम पच्चीस ढाई सौ प्लस फाइव एस ठीक है चाहे तो इसको काट दो फाइव एस क्यों करोगे काट दो ना काट दो इधर इधर देखो कैसे काटना है आपको देखो तो पाँच से काटो पाँच एगम पाँच पाँच चौकू बीस और पाँच चौकू बीस चवालीस तो इधर इधर ये कितना था तीन था ना तीन तो चवालीस तीनों कितने होते तीन चकू बारह और तीन चकू बारह तीन चकू बारह एक तेरह एक सौ बत्तीस ये एक सौ बत्तीस आ गया तो पचास प्लस एस टू बराबर एक सौ बत्तीस तो एस टू बराबर कितना निकल के आया एक सौ बत्तीस माइनस के पचास तो माइनस के पचास कर दो तो कितना आ गया दो, दो आठ बयासी तो एस टू की चाल कितनी निकल के आई है एस टू की बयासी किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है बयासी है किसी में बयासी ठीक है समझ गए समझ गए चलो एस बराबर डी अपन टी पचास प्लस एस टू पांच बटे अठारह छोटे में क्योंकि मीटर में छोटे में कर लिया पांच बटे अठारह दो सौ बीस बटे है काटा छह तीन अठारह तीन ठीक है उधर पांच से इधर को काटा तो चवालीस चवालीस गुड़े तीन किया हमने चवालीस गुणे तीन किया एक सौ बत्तीस तो पचास प्लस एस टू बराबर एक सौ बत्तीस तो एस टू बराबर एक सौ बत्तीस माइनस पचास तो एस टू बराबर कितना बयासी किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ी समांतर पटरी पर क्रमशः पुत्री नहीं है पटरी होगा ठीक है समांतर पटरी पर क्रमशः पैंसठ किलोमीटर प्रति घंटा तथा पचासी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है वह एक दूसरे को छह सेकंड में पार कर लेती तदनुसार अनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी क्योंकि लंबाई इसमें नहीं दी गई लंबाई बताना है और रेलगाड़ियां एक नहीं दो हैं दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ी है समांतर पटरी पर क्रमशः घंटा की घंटा दूसरी की चाल है पचासी किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा तो जुड़ेंगी तो पचासी और पैंसठ को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा पचासी और पांच नब्बे नौ नौ छे पंद्रह ठीक है कितना आ गया एक सौ पचास किलोमीटर प्रति घंटा ये तो आ गई हमारी चाल ठीक है और छह सेकंड में पार कर देती हूँ रेलगाड़ियों की चाल दो रेलगाड़ियां हैं दोनों की चालें कुछ तो होंगी तो डी प्लस डी मतलब टू डी दो रेलगाड़ियां होंगी तो टू डी हो गया टू डी बराबर तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता ना तो एस बराबर डी अपॉन टी ठीक है अब पूछा हमें डी तो एस हमें दी है एक सौ पचास किलोमीटर प्रति घंटा दी है ना तो एक सौ पचास किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बताना है में बताना है मीटर प्रति सेकंड में बताना है तो एस हमें दी है कितनी? ना डी दी प्लस डी टू डी हो जाएगा अपान में छे कितने सेकंड लगाती है छह सेकंड कहा गया भाई छे सेकंड लगाती है ठीक है चलो काटो छह ठीक है तीन 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 पचे पंद्रह आ गया कितना कितना आ गया जल्दी से बताओ ठीक है तीन एकम तीन तीन पचप पंद्रह तो पचास गुड़े में पच, पाँच बराबर में टू डी ठीक है तो पचम पच्चीस दो सौ पचास बराबर में टू डी तो डी का मान कितना काट दो दो एकम दो एकम दो 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 नी चार दो पंजे दस डी तो का मान कितना प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी आई एक सौ मीटर एक मीटर ठीक है समझ में आया बहुत आसान था लेकिन एक बार को ऐसा लगा कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है बहुत आसान था ठीक है चलो आगे बात करते हैं आगे कौन सा टाइप का क्वेश्चन बचा है वो भी बात कर लेते हैं 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में पैंसठ किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। जब भी एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी अब दो रेलगाड़िया इस तरीके से चल रही है ठीक है पर विपरीत दिशा में मतलब तो इस दोनों तो तो एक चल रही है पैंसठ और पचपन कितना ये हो गया सात पांच बारह एक सौ बीस किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है तो ये तो चाल हो गई तो था था, जब भी एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने समय बाद पूरी तरह एक सौ अस्सी मीटर और एक सौ बीस मीटर कितना हो गया हमारे पास जल्दी से बताओ कितना हो गया एक सौ अस्सी और बीस दो सौ तीन सौ तो कितना हो गया तीन सौ मीटर तो लगा दो फार्मूला वही अपना पुराना फार्मूला फार्मूला क्या होता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय चाल हमें मिल गई चाल एक सौ बीस भाई छोटे में करना में है किलोमीटर में क्योंकि छोटे में पूछा है तो पाँच बटे अठारह दूरी हमें चाल बराबर दूरी बटे समय हमें कितना दिया गया वही तो पूछा है कितने समय में हमें हमने मान लिया कितना टी ठीक है अब काट पीट दो तो काटो छः ती अठारह छः दूनी बारह बीस आ गया ठीक है तो बीस पंजे कितना हो गया हुए बीस पंजे ये हो गया सौ तो कितना बीस पंजे सौ तो सौ बटे में तीन बराबर तीन सौ तो एक बिंदी एक बिंदी एक बिंदी एक बिंदी एक बटे तो तीन बराबर तीन अपॉन टी तो t बराबर क्या होगा गया तीन तुर का नौ नौ सेकेंड है कहीं पे भी नौ सेकेंड कहीं पे भी है है नौ सेकेंड ठीक है समझ में आया बहुत आसान क्वेश्चन था देखने में लगा बहुत हार्ड है लेकिन बस समझ में आना चाहिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं माइंड से निकल रहा हुआ मैं समझ सकता हूँ कोशिश करो समझने की चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दो शहर ए और बी सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर हैं एक कार एक कार से एक कार से आठ एम पर चलना एक कार है। नहीं एक कार होगा ये, ये मिस्टेक है ठीक है एक कार से आठ एम पर चलना शुरू करता है और बी की ओर पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक अन्य कार कार है लिखी गई बता अन्य कार है ठीक है अन्य कार नौ एम से चलना शुरू करती है ए और ए की ओर तीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है किस समय मिलेंगी तो ए आपस में किस समय मिलेंगी दो रेलगाड़िया हैं एक ये चलती है एक ये चलती है आपस में ठीक है ये आठ बजे सुबह चलती है ठीक है और ये चलती है कितने बजे नौ बजे ठीक है ये पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है दूसरी ये पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और दूसरी तीस किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है ठीक है, है अब एक चीज बताओ ये आठ बजे चलती है ये नौ बजे चलती है तो ऐसा ना करो इनको समय पे ही चलाओ एक ही समय पे चलाना पड़ेगा तब तो हम प्लस माइनस चाल करेंगे तो एक समय पे इनकी टोटल दूरी कितनी दी है दूरी दी है 135 सौ किलोमीटर ठीक है अब बताओ ये पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है आठ बजे से नौ बजे एक घंटे में कितनी चल जाएगी एक घंटे में पच्चीस तो भाई एक सौ पैंतीस की तो टोटल दूरी है नौ बजे तक ये पच्चीस चल जाएगी बच्चे की कितनी एक सौ दस किलोमीटर एक सौ दस किलोमीटर चलेगी अब ये करेक्ट टाइम पे अब नौ बजे ये भी चलेगी और नौ बजे ये अब जब एक ही समय पे दोनों चलना शुरू करेंगी आपस में एक दूसरे को और हम लोग शुरू करते हैं तो चालें प्लस हो जाती हैं तो चालें पच्चीस और तीस कितनी हो गई हमारे पास पचपन पचपन तो चार पचपन होगी हमारी चार ठीक है तो फॉर्मूला क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय ठीक है निकालना हमें समय तो चाल हमारी पचपन चाल बराबर दूरी हमें दी है एक सौ दस किलोमीटर ठीक है बटे में समय हमें बताना है ठीक है समय टी हमसे पूछा है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो दोनों किलोमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं तो ये इधर हो जाएगा तो पचपन धूनी एक सौ दस होगा तो कितने घंटे लगा रहे हैं दो घंटे ठीक है दो घंटे में एक दूसरे से मिल लेंगी लेकिन पूछा कितने बजे मिल लेंगी तो भाई साहब कितने बजे मिल लेंगी भाई नौ बजे के बाद शुरू किया ना इन्होंने नौ बजे तक तो चले ही टोटल ए को कितने समय तो दो घंटे लग गए ग्यारह बजे ग्यारह बजे ठीक है समझ गए चलिए तो ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर तरीके से क्वेश्चन मैंने करा दिए अब रेल के कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं होगा कोई क्वेश्चन नहीं भेजेगा किताब खोल के देख लेना कोई सी भी सभी इसी टाइप के क्वेश्चन इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा एस एस में इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन ये तो हमने पूरा लेवल कराया चाहे आप एन की तैयारी कर रहे चाहे एम की चाहे एस की किसी की भी इस लेवल तक हद से ज्यादा क्वेश्चन जाएगा बड़ा से बड़ा बाकी बहुत छोटे मोटे बस चार बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला पूछा जाएगा यही आप लोगों को एस एस में मैं ये पूरा लेवल लेके चल रहा हूँ आप कहे तो सिर्फ एस एस लेवल तक लेके चले आप एक बार कमेंट जरूर करना एस एस का ही लेवल लेके चले या फिर उससे हाई लेवल लेके चले कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बता देना ठीक है लेवल हाई करें या फिर एस एस का ही रखें ठीक है चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन ठीक है एक स्टेशन बी के मध आठ आठ सौ किलोमीटर की दूरी है ए बी की ओर इतने किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और दूसरी इतने किलोमीटर प्रति घंटा से तो आराम करती है तो ज्ञात कीजिए ठीक है थीके? कि कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी ये क्वेश्चन आपसे कितने बजे दूसरे से मिलेंगे ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी और बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी ये क्वेश्चन है मैं करवा देता हूँ आपको ठीक है अब एक चीज बताओ दो ट्रेन है एक स्टेशन बी से के मध्य 800 किलोमीटर एक ये ये है मतलब एक दूसरे की लंबाई ये ए है हमारे पास ये हमारे पास बी है इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर ठीक है चलो ठीक है ए सात बजे 60 किलोमीटर ए ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से स्टार्ट करती है और ये कितनी करती है बी और सात सात बजे चालीस किलोमीटर प्रति घंटा दोनों एक साथ चलते हैं ये भी सात बजे चलेगी ठीक है जब एक साथ चलेंगी तो तो मामला सेट हो जाएगा ये भी एक सात बजे चलेंगी ठीक है चलो तो आराम करते हैं तो ज्ञात कीजिए सबसे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बैठे समय अब एक ही तरफ आ रही है ये इधर आ रही है ये इधर आ रही है तो चाले हमेशा प्लस होती है ठीक है तो चाले प्लस साठ और चालीस कितने सौ तो चाल बराबर क्या होता है हमारा एस एस बराबर एस बराबर डी अपॉन टी ठीक है तो समय बताना है तो एस हमारी कितनी निकल जाएगी साठ और चालीस कितनी सौ सौ बराबर दूरी हमारी कितनी है आठ सौ टी हमें निकालना है टी तो एक बिंदी दो बिंदी एक बिंदी दो तो समय कितना हो गया हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय हमारा आठ घंटा हो गया ठीक है आठ घंटा क्वेश्चन कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी सात बजे से स्टार्ट किया था इन्होंने और आठ घंटे बाद मिल जाएंगी तो सात बजे के बाद आठ घंटे और ऐड कर दो सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह का मतलब तीन बजे ठीक है है कहीं पे तीन बजे ठीक है तीन पी है, कितनी दूरी पर मिलेगी? है, तो ठीक हाँ है साठ किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और आठ घंटे में कितनी दूरी तय कर, तो कर लेगा तो साठ साठ गुणे आठ आठ छंग अड़तालीस कितनी अड़तालीस चार सौ अस्सी किलोमीटर दूरी तय कर लेगा ठीक है तो चार सौ अस्सी किलोमीटर दूरी ये भी आ गया ठीक है अब पूछा है बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी तो बी कितनी दूरी से चलता है चालीस किलोमीटर प्रति घंटा चलता है आठ घंटे में कितनी दूरी तय करेगा आठ चौकू बत्तीस तीन सौ बीस किलोमीटर ठीक है तो ये तीन सौ बीस किलोमीटर समझ में आया ये था क्वेश्चन क्वेश्चन येगा एक तरीके से आप लोगों को बहुत बड़ा लगा होगा लेकिन बहुत सिंपल था ठीक है तो इसी तरीके से अब आप लोगों से ये सवाल है कि एस एस सी जी डी लेवल चले ये क्वेश्चन है जी डी लेवल पढ़ाए या फिर हाई लेवल बस ये बताना अगर समझ में नहीं आ रहा होगा जीडी लेवल लेके चले या फिर हाई लेवल जल्दी से बताना है जी डी लेवल या फिर पूरी मैथी या फिर हाई लेवल ठीक है हाई लेवल ये क्वेश्चन आपको बताना है इस पे टिक करोगे या फिर इस पे जी लेवल बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं ठीक है आप कमेंट करके बताना जी डी लेवल लेके चलें ताकि बाउंस ना हो या फिर पूरा लेवल लेके चलें जो जितने भी कोई भी परीक्षा में आप लोग मैथ अगर करें तो आसानी से चाहे एस लेवल ले लो चाहे यूपी पुलिस लेवल ले लो यूपी पुलिस जी लेवल का होता है ठीक है ये हाई लेवल जो मैं चल रहा हूँ पूरी ट्रेन खत्म हो गई है आपकी ठीक है कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं है ठीक है तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना शेयर जरूर कर दिया करो मेहनत तो सफल करो कम से कम ठीक है तो चलता हूँ जय हिंद जय भारत